बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक कथित पाकिस्तानी जासूस बताया जा रहा है। युवक के कब्जे से कई संवेदनशील दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर युवक को हावड़ा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसकी जानकारी शनिवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी। वहीं अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति के मोबाइल फोन में तस्वीरें, वीडियो और ऑनलाइन चैट के रूप में गुप्त जानकारी मिली थी। ये उसने पाकिस्तान के एक संदिग्ध खुफिया संचालक को भेजी थी। कोलकाता में एक कुरियर सेवा कंपनी में काम करने वाला आरोपी व्यक्ति पहले दिल्ली में रहता था। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति को शनिवार को शहर के एक अदालत में पेश किया जाएगा। बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक कथित पाकिस्तानी जासूस बताया जा रहा है। युवक के कब्जे से कई संवेदनशील दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर युवक को हावड़ा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसकी जानकारी शनिवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी। वहीं अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति के मोबाइल फोन में तस्वीरें, वीडियो और ऑनलाइन चैट के रूप में गुप्त जानकारी मिली थी। ये उसने पाकिस्तान के एक संदिग्ध खुफिया संचालक को भेजी थी। कोलकाता में एक कुरियर सेवा कंपनी में काम करने वाला आरोपी व्यक्ति पहले दिल्ली में रहता था। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति को शनिवार को शहर के एक अदालत में पेश किया जाएगा। बिहार के रहने वाले एक व्यक्ति को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है। युवक कथित पाकिस्तानी जासूस बताया जा रहा है। युवक के कब्जे से कई संवेदनशील दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर युवक को हावड़ा स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसकी जानकारी शनिवार को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने दी। वहीं अधिकारी ने बताया कि व्यक्ति के मोबाइल फोन में तस्वीरें, वीडियो और ऑनलाइन चैट के रूप में गुप्त जानकारी मिली थी। ये उसने पाकिस्तान के एक संदिग्ध खुफिया संचालक को भेजी थी। कोलकाता में एक कुरियर सेवा कंपनी में काम करने वाला आरोपी व्यक्ति पहले दिल्ली में रहता था। उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति को शनिवार को शहर के एक अदालत में पेश किया जाएगा। Hasta luego.